हरिराम जी। अरे रूपाली बेटिया, तुम आज किचन में? आप हटिए, आज चाय मैं बनाऊंगी। तुम चाय बनाओगी? क्यों, मैं चाय नहीं बना सकती क्या? अरे नहीं नहीं बिटिया, ऐसा बात नहीं है। तुम हमसे भी अच्छी चाय बना सकती हो, लेकिन वो का है बिटिया कि हम जो काम सालों से करते आ रहे हैं ना, वो मुझे ही करने दो ना। हरी राम जी, आज जो मेहमान आ रहा है उनके लिए मैं चाय बनाना चाहती हूँ। अरे बिटिया, काहे को आने वाले मेहमान पे इतना जुल्म करना चाहती हो? क्यों, मैं चाय नहीं बना सकती क्या? आज देखना, मैं इतनी टेस्टी चाय बनाऊंगी कि उनकी तबीयत खुश हो जाएगी। सत्यानाश, आज चाय नहीं बनेगी, काढ़ा बनेगा। नमस्कार भाभी जी। रूपाली, आइए आइए, कृष्ण साहब प्लीज कम। रूपाली, आप तुम बड़ी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। थैंक यू भाभी जी, आप इन्हें यहाँ लेकर आए। किशन साहब, आपको यहाँ देखकर बस बस आगे कुछ मत कहना, मारे खुशी के पागल हुए जा रही है। मेरे बुलाने पर आप मेरे घर आए, आपने मेरा मान रखा, इसके लिए मैं आपका। रूपाली जी, आपने हमको इतने प्यार से बुलाया, भला हम इनकार कर सकते हैं? पहले गर्मा गर्म चाय हो जाए। मतलब ये हुआ कि आप हमको आते ही रुखसत करना चाहती हैं, गरम गरम चाय पिला? जी नहीं, एक्चुअली आज मैंने पहली बार खुद चाय बनाई है। लीजिए साहब, काढ़ा पीजिए, मेरा मतलब है चाय पीजिए। प्लीज साहब। किशन, ये तो पीनी ही पड़ेगी, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, खास तुम्हारे लिए बनी है। तो ये चाय आपने बनाई है? कोशिश तो की है। फर्स्ट अटेम्प्ट, अच्छी होगी। आप चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही है। क्या बात है जनाब, इस तरह के भयंकर एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हैं आप? ऐसे ही। वाह वाह, सच कहूं रूपाली, एक ही घूंट में तबीयत साफ हो गई। Really? और नहीं तो क्या। वैसे राधा, तुम तो चाय पीती नहीं ना, फिर भी तुम एक घूंट पी के देखो, क्या कमाल की चाय बनी। अच्छा? बहुत अच्छी है। अब इतनी अच्छी चाय है तो मैं भी पी लेती हूँ। नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप मत पीजिए। नहीं, जब आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मुझे तो जरूर पीना चाहिए ना। कमाल है किशन साहब, आप इस चाय की तारीफ कर रहे थे। This is not fair. इतने प्यार से तुमने पहली बार अपने हाथों से सिर्फ मुझे खुश करने के लिए चाय बनाई, भला मैं तुम्हारा दिल कैसे तोड़ देता। तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं, कुछ भी नहीं।